दोस्तों वन प्लस की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पे वन प्लस इंडिया ने अपने वन प्लस 11 का इंडिया लॉन्च डेट जो है ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा वन प्लस 11 5G के बारे में कि आखिरकार इसकी क्या कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन होने वाली है, इंडिया मार्केट में कितने तारीख को लॉन्च होने वाला है और इंडिया मार्केट में क्या कुछ प्राइस पॉइंट होने वाला हुई बताने वाला हूं। तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूं यहां पे OnePlus 11 5G को लॉन्च डेट को लेकर ही। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको लेकर चलना चाहूंगा OnePlus इंडिया के ट्विटर अकाउंट पे, जो ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट होता है वहां पर लेकर चलना चाहूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे ट्विटर अकाउंट पे अभी जस्ट एक पोस्ट करा गया थोड़ा देर पहले, 40 मिनट्स पहले, जहां पे क्या लिखा गया फरवरी 7, मतलब ये कंफर्म हो चुका है पहले कि 7 फरवरी को लॉन्च हो रहा है। आप देखिए यहां पे क्या-क्या यूज करा गया है, #OnePlus11 5G, #OnePlusBuds Pro 2, तो OnePlus Buds Pro 2 भी लॉन्च हो रहा है उसी के साथ-साथ। अब इस लिंक को हम यहां पे ओपन करते हैं तो कुछ यहां पे स्पेसिफिकेशन वगैरह रिवील करे गए हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा गया है क्लाउड 11 और वन प्लस लॉन्च इवेंट, वन प्लस अपना लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे वन प्लस 11 5G, और इस पर क्लिक करते हैं तो वन प्लस बड्स प्रो 2 है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपसे सिर्फ बात करने चाह रहा हूँ वन प्लस 11 5G के बारे में। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं सबसे क्लियरली पहले मेंशन है द ऑल न्यू वन प्लस 11 5G फ्लैगशिप, विटनेस द शेप ऑफ पावर। फिर यहाँ पे हम नीचे थोड़ा स्लाइड करते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, वन प्लस 11 5G विद हेजल ब्लेड। तो यहाँ पे आपको हेजल ब्लेड की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, कैमरा की तरफ ऐसा बताया जा रहा है कि बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे भैया वन प्लस अलर्ट स्लाइडर के साथ वापस आ रहा है, तो हमें वन प्लस 11 5G में अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ भी और डिटेल्स नहीं दिए गए, बट हाँ अभी यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि अलर्ट स्लाइडर और यहाँ पे हेजल ब्लेड के ब्रांडिंग के साथ में वन प्लस 11 5G लॉन्च होने वाला है। एंड हाँ, यहाँ पे कोई भी वन प्लस 11 प्रो 5G अभी देखने को नहीं मिलने वाला है। और हम स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपको 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है, यहाँ कर्व डिस्प्ले हो सकता है यहाँ पे। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। इसको तो आप कंफर्म ही समझिए कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 चिपसेट होने वाला है। तो ये कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स थी जो बाहर निकल कर थी, जैसे कि इसमें और बताऊं मैं तो एंड्रॉइड 13 बेस आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स ये थी, और भी कुछ बाहर स्पेक्स बाहर निकल कर आएगी तो यहां से आपको जल्दी से जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर मैं आपसे अब इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया मार्केट में 50 से 55 हज़ार के आसपास रखी जाएगी। मोस्ट वाइड आप मांगा चलेगी 55 हज़ार के आसपास इसकी जो है इंडिया मार्केट के लिए प्राइसिंग रखी जाएगी। तो यही थी लेटेस्ट। भाई घर घर में आ जा, गाड़ी घर में लेकर चला ना, उड़ा दे मुझे, हद स्थिति है। तो खैर यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था वन प्लस 11 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। दोस्तों मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।